तीसरा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने सूचना दिया था कि सॉर्टेड का बैच मेरे स्टार्ट हो रहा है। आज पहली क्लास है और इसकी चर्चा बिल्कुल बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास वन, सबसे पहले समझ लें स्टेनोग्राफी। एक यह जो शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है स्टेनोग्राफी, ग्रीक वर्ड है। और ये बना कहां से, इसको थोड़ा समझें। स्टेनो प्लस ग्राफेन से बना हुआ है। स्टेनो का मतलब होता है नैरो प्लस टू राइट, नैरो प्लस टू राइट। तो परिभाषा जो बनी स्टेनोग्राफी की, डेफिनेशन समझ लें इसकी। अ नैरो राइटिंग इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी। इसको हिंदी में असुलिपि बोलते हैं, असुलिपि भी बोला जाता है। तो आप स्टेनोग्राफी की परिभाषा समझ ली कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। नैरो टू राइट, संक्षिप्त लिखावट हो गई। आगे थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो इसकी कुछ हिस्ट्री को अगर आप समझें, हिस्ट्री ऑफ स्टेनोग्राफी, तो जो हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सर आइजक पिटमैन इन्वेंटेड स्टेनोग्राफी। किसने बनाया? सर आइजक पिटमैन ने बनाया। और वो कब बनाया? 1837 में बनाया। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही कि स्टेनोग्राफी क्या होता है और कौन है इसके फादर। कह सकते हैं अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फादर ऑफ स्टेनोग्राफी कॉल्ड सर आइजक पिटमैन। ये बातें क्लियर हो गई। तो स्टेनोग्राफी क्या होती है और इसके फादर कौन है। यहां से कहानी जो आगे बढ़ती है, अब आपके दिल में ये लालसा होगी कि आखिर जो स्टेनो है, आखिर है क्या, कैसे सीखना शुरू करते हैं। उसी की आज शुरुआत हो जाएगी। जैसे बच्चा जो एलकेजी या यूकेजी का होता है, जाता है तो वहां अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, उसी तरह से आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट हैंड को क्या करते हैं, सीख पाते हैं। बच्चों का खेल है शॉर्ट हैंड। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे आप जाते हैं तो वहां आपको सिखाया जाता है अल्फाबेट। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंसोनेंट। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंसोनेंट स्ट्रोक्स, अब यहीं से आपकी शॉर्ट हैंड की शुरुआत हो चुकी है कि कंसोनेंट स्ट्रोक क्या होते हैं। कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, स्ट्रोक का मतलब रेखा। जो व्यंजन की जो रेखाएं होती हैं, जो आप खींचेंगे वही क्या होंगे, कंसोनेंट स्ट्रोक होंगे। तो ध्यान, सबसे बड़ी चीज रखनी जरूरी है कितने आप पढ़ेंगे इसमें। 24 स्ट्रोक्स पढ़ेंगे कंसोनेंट के। कितने स्ट्रोक पढ़ेंगे आप? 24 स्ट्रोक पढ़ेंगे। अब यहां से समझते हैं धीरे धीरे करके कि कहानी क्या कहती है। एक शब्द मैंने लिखा क्या, पी। एक शब्द आपने देखा लिखा है पी। क्या लिखा हुआ है? पी। मैंने क्या किया, ऐसे खींच दिया। क्या किया? ये लिखा हुआ है पी। क्या लिखा हुआ है? पी। और एक शब्द मैंने लिखा बी। अब पी और बी तो लिखा मिल गया आपको, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी
कि दोनों तो सेम लग रहे हैं, दोनों तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें कि आप जब पी को लिखते हैं तो कैसा होगा, लाइट लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? लाइट। लाइट मतलब कहें तो पतला। जो बी लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? हैवी लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? हैवी लिखेंगे। अब यहां से कहानी आपको समझ में, डिफरेंस समझ में आया? पेंसिल से जब लिखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि पतला और मोटा कैसे लिखना होगा। तो जब आप पी लिखेंगे तो थोड़ा सा लाइन को पतला करेंगे, और जब बी लिखेंगे तो लाइन को क्या कर देंगे? भारी कर देंगे, मोटा कर देंगे। आगे थोड़ा समझते हैं। आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, जैसे मैंने क्या किया, पी मैंने लिखा है, और इसके जो डिग्री होंगी कितनी होगी? 120 डिग्री पर बनेगा। कितने डिग्री पर बनेगा? 120 डिग्री पे। अब यहां से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि एक बात बताइए आपकी, अगर मैं यहां से ऐसे कर दूं तो सही है? नहीं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि आपका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं बताऊंगा उसी डायरेक्शन में आपका होगा, ठीक है? तो डायरेक्शन भी आप बदल नहीं सकते हैं। अब एक चीज और दिमाग में आती है, किस साइज, क्या मैं इतना बड़ा कर दूं, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। तो साइज कितनी होगी? हाफ सेंटीमीटर। कितनी साइज होती है इसकी? हाफ सेंटीमीटर। डायरेक्शन आप ध्यान रखें अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड, दो तरह के डायरेक्शन पर आप बनाएंगे। अपवर्ड कहें तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि लाइन है, अगर आप यहां से कोई चीज ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका अपवर्ड है। अगर मान लीजिए आप यहीं से इसको नीचे लेकर आए तो क्या हो जाएगा? ये डाउनवर्ड है। क्या हो गया? ये डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड भी आपको समझ में आया। तो डायरेक्शन जो होगा सेम होगा, आप एरो लगा दें यहां से, ऐसे बन जाएगा। साइज भी समझ में आ गई, लिखने का तरीका समझ में आ गया, डायरेक्शन भी आपको समझ में आ रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं टी, तो क्या बना ये? टी। तो टी का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा नीचे, ठीक है? साइज भी ध्यान रखें। एक आप शब्द इस्तेमाल करेंगे डी, क्या हुआ? डी। ये कैसा होगा? मैं एल का मतलब लाइट, इसका मतलब हुआ हैवी, ठीक है? आगे देखें तो ये सब स्ट्रोक हैं, तो एक चीज और समझ लें कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक्स क्या होंगे तो थोड़ा समझिए। स्ट्रोक भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होगा स्ट्रेट स्ट्रोक, एक होगा कर्व स्ट्रोक, और एक होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल। तीन तरह के आप स्ट्रोक भी इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे स्ट्रोक हैं आपके? स्ट्रेट हैं। कैसे हैं? स्ट्रेट हैं। अगर मैं एक अगला शब्द लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? यफ। ये आपको क्या बना? यफ। ये कैसा स्ट्रोक है? कर्व स्ट्रोक है, कर्व। एक शब्द आपका क्या है? वी। ये कैसा है? ये भी आपका कैसा स्ट्रोक है? हैवी बनेगा। कैसे बनेगा? हैवी, ठीक है? आगे देखें, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे जो बढ़े कुछ शब्द और मिलेंगे आपको। एक शब्द होता है सी एच, जो इसी को ऐसे लिखेंगे आप, ये आएगा कैसे बनेगा? डाउनवर्ड है। इसके बाद जे, ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। एक शब्द होता है यम, यम आप कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ऐसे नहीं बना सकते, यन है आपका, यन आपका ऐसे बनेगा। ING, एक गाढ़ा होगा, क्या होगा? ये आपका लाइट है, ये आपका हैवी हो जाएगा। आप बनाते हैं यस, यस कैसे बनाएंगे? आपका ये है यस। ये बनाएंगे आप जेड, ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अगला जो है आपका यसेच, यसेच आप ऐसे बनाएंगे। ZH आप ऐसे बनाएंगे। उसके बाद W, ये भी ध्यान रखिए W है, ये क्या है आपका? Y है, खुला रहेगा। उसके बाद इथ,
ये आपका ऐसे बनेगा, एक शब्द होता बी ऐसे में, ध्यान रखिए लाइट और हैवी, लाइट और हैवी, ये आपका लाइट है ये आपका हैवी है। आगे समझें, उसके बाद के आपका कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एक ऐसा स्ट्रोक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। एक शब्द होता है जी, ये आपका ऐसे बनेगा। अब अगला एक वर्ड आपका आएगा आर, आर दो तरह से बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ध्यान रखिए इसको बोलते हैं अपवर्ड आर, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड आर, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यच, यच कैसे बनेगा, दो तरह से यच भी बनेगा, अपवर्ड, ये क्या है आपका अपवर्ड है, एक ऐसा यच है डाउनवर्ड यच है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स हैं, टोटल नंबर में कितने होंगे आपके 24 होंगे, और यस और आर दो अल्टरनेट स्ट्रोक होते हैं, दो तरह से बनाए जाते हैं, बाद में चलकर आपको ये बताया जाएगा कि कहां पे कौन सा स्ट्रोक आप बनाते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रोक कहां पर बनेंगे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके, पी लाइट होगा, बी हैवी होगा, टी कैसा होगा लाइट होगा, डी कैसा होगा हैवी होगा, एफ कैसा होगा लाइट होगा, वी कैसा होगा हैवी होगा, यहां पर भी लाइट और ये आपका क्या होगा हैवी होगा, ये लाइट हैवी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या होगा लाइट होगा, ये आपका क्या होगा हैवी होगा। इस क्रम में आप टोटल कितने बना लिए हैं, 24 आपके कॉन्सोनेंट स्ट्रोक बनाए जा चुके हैं, इस बात समझ आ रही है। तो आपको कई बातों को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी, इसके डायरेक्शंस को आप ध्यान रखिए, इसके साइज को ध्यान रखिए, इसके एंगल को भी ध्यान आप रखें, एंगल कहें तो कोण, मतलब जो जितने कोण पे बनना चाहिए वो कोण होना चाहिए, जो 60 पे बना है 60 पे बनाइए, जो 90 पर बना है 90 पर बनाइए, जो 120 पर बना है 120 पर बनाइए, बिल्कुल नाप कर नहीं बनाना है, 120 130 110 ऐसे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि बिल्कुल गड़बड़ ना हो जाए, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो साइज, डायरेक्शन और एंगल को आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोक लाइन के नीचे नहीं आने चाहिए, कहां बनेंगे ये भी ध्यान रखिए, आप अपने लाइन पे बनाएंगे, यहां लाइन खींची गई इसलिए मैंने नहीं खींचा है, लेकिन बनना कहां चाहिए, इस पे ही बनना चाहिए, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद में यही डिसेसिव होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ग्राफ देख लीजिए, यहां से क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं एक ग्राफ बनाने प्रयास करता हूं, अगर मैं इसको इस तरह से काट दूं, तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की आउटलाइन की अगर बात करूं, तो के और जी जैसा लग रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो एक ऐसा लग रहा है आर जैसा, यहां से लेकर अगर यहां तक बात करेंगे तो एक ऐसा लग रहा है सी एच और जे, ठीक है। अब इसकी बात अगर आप यहां से लेकर यहां तक की करेंगे तो एक ऐसा लग रहा है टी और डी जैसा लग रहा है, यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करते हैं तो ये कैसी आउटलाइन लग रही है, पी और बी जैसी लग रही होगी आपको, ये बात समझ में आ गई। एक और ग्राफ से समझ लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो अगर यहां से लेकर यहां तक काटा जाए तो यहां एफ और वी जैसा लगेगा, अगर यहां से लेकर यहां तक काटा जाए तो ए लगेगा एस एच और जेड एस जैसा लगेगा, अगर यहां से यहां तक काट दिया जाए तो आर जैसा लगेगा डाउनवर्ड आर, यहां से लेकर यहां तक काटा जाए तो आपका यल जैसा लगेगा। यल कैसे बनाते हैं आप, ऐसे बनाते हैं ना, आर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। एक ग्राफ और है आपका, इसको बनाने का प्रयास करिए, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक काट दूं तो ये आपका कैसा लग रहा है यम,
यहां से लेकर यहां तक काटा जाए तो यन और यनजी जैसा लग रहा होगा, यहां से अगर यहां तक काटा जाए तो टीएच इथ और दी जैसा लगेगा, कैसा लगेगा, दी जैसा लगेगा। यहां से लेकर यहां तक काट दिया जाए तो यस और जेड जैसा लगेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इस ग्राफ के माध्यम से भी आप इस ग्राफ को बना के बड़े शौक से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से भर लेंगे। आपको याद करने का तरीका क्या होगा कि आप पहली बात तो एक पेज में दो शब्दों की प्रैक्टिस करें और इस ग्राफ को कम से कम 10 बार बनाएं और अपने इसमें भरें कि कौन सा कैसा दिख रहा है, कौन सा कैसा दिख रहा है। इसमें W Y S आपको इसमें बने हुए नहीं मिलेंगे, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा बाहर से ही, इस चीज को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे अब आप आर को लिए मैंने बताया था ना कि आर आप कैसे बनाते हैं, देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, आर हो जाएगा, और एस एस के लिए मैंने बताया था ये दोनों बन जाएंगे। तो चीजें बहुत आसान लगेंगी अगर आप इस चीज को कर लेते हैं कई बार, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब अगली चीज समझना है कि हाउ टू प्रैक्टिस, इसका अभ्यास कैसे करें, हाउ टू प्रैक्टिस। कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स कि अब मतलब इस कॉन्सोनेंट स्ट्रोक का अभ्यास कैसे करें, तो थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल को समझाता हूं कि एक आपकी कॉपी होगी, मान लीजिए कुछ इस तरह की कॉपी होती है, ठीक है, मैंने कहा था लाइन वाली कॉपी लेने के लिए, तो आप लाइन वाली कॉपी ले लेंगे, इसमें आप कुछ लाइन इसी तरह खींची होगी और आप क्या करेंगे उसी कॉपी में जैसे पी लिख दिया, पी का अभ्यास करने के लिए वैसे खींचते चले जाएंगे और कम से कम आधा पेज तक पी, फिर यहां पर बी लिखेंगे, फिर अगले पेज पे इसी क्रम में सभी कंसोनेंट जितने 24 हैं इसका क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, 24 नहीं आप कह सकते हैं 26 हो जाएंगे, क्योंकि आर और एच दो तरह का बनता है, एक एच ए है आर ए, तो इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक बार में एक एक प्रैक्टिस करें, जैसे यश की प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरह से पहले कर लें, फिर आधा पेज में फिर इस तरह वाला कर लें, तो इस तरह से प्रैक्टिस की जाएगी, तब तो जाकर आप क्या करेंगे शॉर्ट हैंड को कवर कर पाएंगे। लगभग आप 26 टोटल बनेंगे आपके कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, उसके लगभग आप 13 पेज की आपकी क्या है 13 पेज की प्रैक्टिस आप करेंगे, तब जाके आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। टाइम से होमवर्क करें और शुरुआत के दिनों में बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इसलिए भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये आपके लिए नई लैंग्वेज ही है, आप कह सकते हैं कि नई भाषा आप सीखने जा रहे हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। निराश ना हो, हताश ना हो, मेहनत करें, चीजें हो जाएंगी और लगे रहें, आज नहीं तो कल आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2 से 3 बार देखें, अगर और कुछ दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, किसी तरह की समस्या अगर हो रही हो तो आप इस पर आप व्हाट्सएप करें 87 56 461 862, इस पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से निदान पा सकते हैं। इस तरह से आज की क्लासेस में समाप्त करता हूं, धन्यवाद, देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह चीजें जो बताई जा रही हैं ये आपके और लोगों तक पहुंचे, ताकि इसका और बच्चों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।